उत्तराखंड की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। 23 साल पहले बने राज्य के ऊपर 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा चढ़ चुका है, जबकि उसका इस साल का सालाना बजट 77,403 करोड़ का है, यानी कर्ज ज्यादा है और कमाई कम। इन्हीं हालात को सुधारने के लिए प्रशासन ने फैसला किया है कि सचिवालय में अफसरों को बस एक सरकारी गाड़ी मिलेगी। पहले अफसरों को हर विभाग से एक गाड़ी मिलती थी, यानी एक एक अफसर के पास कई कई गाड़ियां हो गई थीं, जिनका धड़ल्ले से घरेलू कामों के लिए भी इस्तेमाल होता था। उत्तराखंड में राज्य संपत्ति विभाग के पास अपनी 112 गाड़ियां हैं और 45 किराए पर ली गई हैं। जरूरत पड़ने पर और गाड़ियों को किराए पर लिया जाता है। जाहिर है इस फैसले से सरकार पर पड़ने वाला बोझ कुछ कम होगा। जहां हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में चूंकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है वो चाहे जिस रूप में भी है, लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी चूंकि हमारे राज्य के लिए बहुत जरूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफर तय करना है, तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए। इसमें चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे तो निश्चित रूप से उससे जो है बड़ा काम हमारा हो पाए। उत्तराखंड लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है और फिजूल खर्ची रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला निकाला है और इस फैसले में सचिवालय में काम करने वाले तमाम अफसर अब अपने विभाग की एक ही गाड़ी को यूज कर सकेंगे, क्योंकि अक्सर एक अधिकारी के पास कई विभाग होते हैं तो हर विभाग से वो अपनी गाड़ी को लेता है और उसको यूज करता है। इसी वजह से लगातार खर्चे का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस फैसले को कब तक ये अधिकारी मानेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे फैसले हुए हैं लेकिन उनको अमल में नहीं लाया गया है और उनको बदल दिया गया है। देहरादून से किशोर रावत, NDTV इंडिया।